और इसके शुरू होने का जो आरंभ में जो शुरू हुआ था उसके पीछे ये मकसद था कि जितने भी सिंधु कम्युनिटी के लोग हैं अपने देश को छोड़कर पाकिस्तान में जो उनका अपना देश हुआ करता था छोड़ के भारत में बहुत सारी संख्या में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भारत में बसे हुए हैं, उनको इस बात का ज्ञात नहीं था कि सिंधु नदी भी हिंदुस्तान के कोने से बहती है। तो जब माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी एक बार लद्दाख उनका आगमन हुआ तो उनको ये बताया गया कि ये सिंधु नदी है, तो उन्होंने उस समय से लेके कोशिश की कि जितने भी सिंधु कम्युनिटी के लोग हैं उनके हित के लिए सिंधु जो यहाँ पर लद्दाख के पूरे क्षेत्र से गुजरता है तो यहाँ पर उनके लिए इस तरह का आयोजन हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय दिल्ली में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने एक आयोजन किया था कि सिंधु यात्रा के नाम से सिंधी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर ला के सिंधु के तट पर बैठ के इस तरह का उत्सव मनाने का। तो ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा था और उसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोंपा सोसाइटी और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, क्योंकि उस समय में लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल में चेयरमैन के पोते पर मैं तैनात था, तो सब ने मिल के इस आयोजन में हम लोगों ने इसलिए सहयोग किया था क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर था लद्दाख में डोमेस्टिक टूरिस्ट को आगमन को बढ़ावा देने के लिए। तो उसी नीयत से ये सिंधु दर्शन यात्रा का आरंभ हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरह से यहाँ लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुआ है वो इस वजह से हुआ कि सिंधु दर्शन यात्रा को नाम को बदल कर सिंधु महाकुंभ के नाम से जो इसका आयोजन होने का जो ऑर्गेनाइजर्स ने फैसला किया है उसको लेकर लद्दाख के लोगों के दिलों में बहुत सारी चिंताएं हैं। हम ये मानते हैं कि ये बहुत जायज चिंता है क्योंकि इस कठिन परिस्थिति में जबकि पूरे दुनिया में पेंडेमिक COVID-19 का पेंडेमिक चल रहा है उसमें बहुत सारी संख्या में जमा होकर इस तरह का आयोजन किसी तरह भी उचित नहीं है। हमारे सामने ये उदाहरण है हरिद्वार में जब महाकुंभ मनाया गया तो महाकुंभ में जिस तरह से लाखों करोड़ों लोगों ने उसमें शमूलियत की, उसके बाद जिस तरह से COVID-19 का फैलाव हुआ तो उसको ध्यान में रखते हुए ये लद्दाख के लोगों में ये संशय होना लाजमी है कि कल को अगर हजारों लाखों की संख्या में महाकुंभ के नाम से यहाँ यात्री आते हैं तो लद्दाख में जो इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा यहाँ पर था तो और भी होने का डर जरूर लद्दाख के लोगों के मन में शंका पैदा करती है। इसलिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोंपा एसोसिएशन जिनको कि इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेम्बर में हैसियत से रखा गया है, एक तो जो इसमें बदलाव लाया है और जिस तरह से महाकुंभ का नाम दिया गया है और इस बड़े स्तर पर मनाने का जो फैसला हुआ उसमें हमें किसी तरह से उसमें हम जुड़े नहीं है क्योंकि सारा फैसला शायद दिल्ली में उन्होंने जो आयोजक बैठे हुए हैं उन्होंने तय किया है। तो हम अपनी तरफ से जब लद्दाख के लोगों में ये इसके बारे में चिंता जाहिर की तो हमने उनको चिट्ठी लिख के ये बता दिया कि एक तो महाकुंभ के नाम से इस समय बहुत लोगों की सिंधु महाकुंभ कावे ना मांग से अगर और कम्युनिटी थे उन्हें सोच सोचते थे नहीं टली चोट वाले का था सो पसा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही ना थूस होशे से ये चांग चिका जी थो आमे तो क्या होस्तम जी थो आमे तो चेहरे जो ना था तो क्यों से नोकले का था ची ना था इस रिलीजियस का था इस जो क्या सोशल गैदरिंग शिशा तो मांग से आओ ते ना था जिनसे टली पा इन लो चाहे ते वहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन लो या रंगसों सोच पा इन लो लॉजिस्टिक ना था आते का टली चोचेस कम दे थोकने या दूसरों थोकने टली चोचेस माने ऑर्गेनाइज सोचे से ना जून सोखने पहले इसके हफ्ते चिगा चोचे से मैंने बताया यूँ हमारे पे सो पसंद तेरे ये सब में ना तेरे ये रू तेरे कसुक ऑर्गेनाइजिंग कभी चीज जिग्यो सिंधु महाकुंभ या सिंधु यात्रा तो वाले ते उन्हें मीटिंग को दिल्ली बोला छा ना छा का गता लद्दाख से ना था छा तो हम दुबले कहते यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ते उन्हें गता मीटिंग मां को जिग चोस्ते टर्जिक चोस ना नंबर टू की सुनो मान ला तेरे यू न्योक्ता जिग बिंग ते तेरे गता आई का सिंधु यात्रा ना इन्हीं से तो नहीं बता सीछे से ट्रेडिक्स होते हैं चीज़ जो